जलंधर के दाल व्यापारी अशोक कुमार के 2,28,000 की लूट के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। किडनैपिंग व मारपीट कर लूट की कहानी बनाने वाला नौकर ही पूरी साजिश का कर्ता धर्ता निकला। पुलिस ने नौकर व उसके दो दोस्तों की लूट की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना के वक्त की हालात का जायजा लेते हुए आशंका जताई गई थी कि दाल व्यापारी का नौकर लूट को लेकर शक के घेरे में आ चुका है, जिस पर अब कमिश्नरेट पुलिस ने मोहर भी लगा दी है। दाल व्यापारी के 2,28,000 बैंक में जमा कराने जा रहे नौकर विशाल से लूट की खबर मिली तो तुरंत पुलिस ने मामले के बयान दर्ज किए। इसके बाद उन तमाम जगहों की CCTV फुटेज भी खंगाली गई जहां उसने लूट की बात कही थी। हालांकि इस फुटेज में उसके साथ किसी तरीके की जोर जबरदस्ती या मारपीट नहीं दिखाई दी, जिससे पुलिस को उस पर शक हो गया। विशाल से सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला किशनपुरा में भगवान वाल्मीकि मंदिर वाली गली के रहने वाले शुभम व किशनपुरा में बाबा बालकनाथ मंदिर के रहने वाले करण उर्फ मन्नू के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने उनसे वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली गई है। हालांकि नौकर विशाल ने कहा था कि दाल व्यापारी ने उसे पैसा जमा कराने के लिए पंजाब नेशनल बैंक भेजा था, जिसके रास्ते में दो बाइक सवारों ने उसे किडनैप कर लिया और मारपीट के बाद रुपए लूट लिए गए। इस मामले में जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि लुटेरों ने उसके फोन से कॉल कर दाल व्यापारी को बताया कि हमने उसके नौकर को लूट लिया है। देखिए जलंधर से ईशान जनेजा के साथ देवराज की पूरी रिपोर्ट। पंजाब नेशनल बैंक काफ़ी देर बाद फोन आ गया, एक घंटे बाद तो बंदे मोटरसाइकिल से बैठा के ला गए, तो मैंने बैग खो के ला। अच्छा जी, किस नाम के फॉर्म है? अशोक कुमार केश। तुहाड़े मोबाइल के उत्ते फोन भी आया, फोन के उत्ते की दसिया गया तुहानू? बेटे मोबाइल से फोन आया, मैं कहना जी मेरे जान बंदे तो मोटरसाइकिल से मैंने बिठा के ला गए बंदे के घरों, मैं थला खो के ला गए, मैं ऐसे काले लेके छोड़ू। सर ये भी पता लगा जिथे बंदा कह रहा मेरे नाल लुट हुई है उत्थे कंफर्म किया गया, उत्थे ना तो किसी ने रौला देखा, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ना किसी ने उच्ची आवाज सुनी। मामला कुछ शक्की लगता पिया, कितनी देर तो लड़का काम कर रहा है? 3-4 महीने। की काम की करता है? इधर बैंक का काम कर लेना या माल लोड लूट करा लेना, गड्डियां उठवा लेना, नौकर इन्होंने नौकर से ना नौकर विशाल जमा करवा आ रहा थी। इन्हें क्या भी मैंने उत्थे जबरदस्ती चक के लै गए, चक के लिजाने तो बाद मेरे को पैसे खोले, पूरे पूरे इनकलेव लै गए उत्थे खाली जगह, तो मेरे को पैसे खोल के तो मैंने छड़ दिता। ये फोन तो बंद फोन कर मालिकां भी असी जे पैसे खोले आ, जबकि जो किसी ने पैसे खोले कन्फर्म थोड़ा करना होता, ये थोड़ा मामला शक्की है, वेरीफाई कर रहे हैं। इनू कितों लैके आए हैं तुम? किन्ने बंदे दस्या इन्होंने? किन्ने बंदे लैके गए? कत्ते लैके गए? अज SHO 3 नंबर को इतलाह मिली सी, अशोक कुमार नाम का व्यक्ति जो मंडी रोड विखे दालों का होलसेल का काम करता, उसने दसिया कि मेरा नौकर विशाल उसनू मैं 2,28,000 रुपया बैंक में जमा कराने लिए दसिया दिता सी। उसने दसिया कि रस्ते दे विच दो व्यक्तियों ने उसनू मोटरसाइकिल ते किडनैप कर लिया और उस कोलों जिहड़ा हैगा पैसों वाला बैग खो लिया, अगे जाके उसनू जिहड़ा छड्ड दिता। इस ते जिहड़ा मानयोग CP साहब वालों स्पैशल इन्वैसटीगेशन टीम बनाई गई, जिस विच साडे ADCP हैडक्वार्टर अते ACP नॉर्थ SHO डिवीजन नंबर 3 इन्होंने बड़ी बरीकी नाल जिहड़ी इहदी जांच पड़ताल कीती, CCTV फुटेज खंगाले गए और उहदे विच देखा गया कि जिहड़ा विशाल जो कि इत्थे काफ़ी समय तो इन्हों दा दुकान ते नौकर सीगा, उसने अपने दो साथी शुभम अते करण दे नाल मिल के यह मनघड़त कहानी बना के पैसों का जिहड़ा यह लुट की घटना उन्होंने बनाई सी, जिसते दोवें जिहड़े उहदे साथी सीगे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया और जिहड़ा 2,28,000 रुपया वह भी रिकवर कर लिया और ये मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया।
और तिना दोषियों की जी है इस मुकदमे के जरा है गिरफ्तारी पाई हैगी और जी फर्दर जी इन्वेस्टिगेशन जी चल रही है।